5% डिस्काउंट पे मारिया बी से, और ये वाला एड्रेस लीलन का एड्रेस है। तो ये वाले जो पर्ल्स है कलर बड़ी मुश्किल से हमें मिला, क्योंकि इस पे सेम इसी तरह के पर्ल्स का वर्क था। तो हमने ये जो हमने नेक लाइन पर अटैच करवाई है, और स्लीव्स पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये, जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा भाई ये हिट कोड है, तो वो सोल्ड आउट हो जाता है। 3 दफा मेरे साथ ऐसे हो कि सूट के ऊपर जब बहुत ज्यादा हैवी वर्क हो तो आपने कैप्री हमेशा ने ये नीचे कॉर्नर्स पर, चारों कॉर्नर्स पर ये वाले टसल अटैच। इसकी कैप्री पे भी सेम इसी स्टाइल में हमने बटन अटैच कराए हैं इसी फैब्रिक के। तो ये आ गई जी कैप्री की लुक, और ये हो गई जी इसकी शॉल, खुद अटैच करवाए हैं, ठीक है। और बड़ी ही मेहनत के बाद ये वाला कलर जो है, और यहाँ स्लीव्स पर मैंने जिस तरह ये चुनरी प्रिंट आ रहा था जिगजैग में, उसी तरह मैंने इसके ऊपर जी। तो नेक्स्ट ड्रेस है मसलिन विंटर सना सफीनास, और ये वाला ड्रेस जी भी न्यू कलेक्शन में काफ़ी खूबसूरत है। ये अभी भी अवेलेबल, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। इसका सेकंड कलर ब्लैक में। तो इसमें हमने कैसे की है डिज़ाइनिंग, हमने इसको थोड़ा सा सिंपल रखा है, और नेकलाइन पे हमने ये छोटी सी लेस अटैच की है वी में। उसके बाद हमने नीचे फैब्रिक के ही बटन्स अटैच किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ इसके साथ प्रिंटेड बॉर्डर्स दिए हुए थे, ठीक है, स्लीव्स के। तो स्लीव्स के बॉर्डर्स हमने अटैच किए हैं यहाँ सेंट्रल लेसेस से, जो कि आपको यहाँ दिख रही होंगी इस तरह से। और बाकी नीचे आ जाते हैं दामन की तरफ, तो दामन में भी सेम एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स को हमने ज्वाइन किया है सेंट्रल लेसेस से। तो इस तरह से आएगी इसकी कंप्लीट लुक। हम जाते हैं इसके दुपट्टे की तरफ, तो शॉल इसके साथ दी हुई है, ठीक है। बड़ी कलरफुल सी खूबसूरत सी शॉल है, और 4 साइड्स पे नहीं हमने लेंस में लगवाई है ये छोटी वाली लेस, ठीक है। और इसकी जो पल्लू वाली साइड है तो उस पर हमने अटैच कराई है लेस जो थोड़ी सी इससे बड़ी है। तो इस तरह से आएगी इसकी शॉल की लुक। और ये कैसा लगा आपको ड्रेस, ये थोड़ी सी हमारी जो क्लाइंट है वो हेल्दी हैं थोड़ी सी, तो इसलिए जो ड्रेस है हमने थोड़ा सा खुला रखवाया, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है, हालाँकि एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में ड्रेस बना हुआ है। तो नेक्स्ट जो है ये ड्रेस कहाँ का है, ये तो ड्रेस मारिया बी का है भाई। मारिया बी का हिट कोड है और शिफोन कलेक्शन का ड्रेस है ये इनका। तो ये वाला ड्रेस जो है वो आप अभी पता कर लीजिएगा, अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ स्टोर से आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है। शिफोन कलेक्शन इनकी बड़ी हिट गई है इस दफ़ा, स्पेशली एक ये वाला ड्रेस और एक जो मैंने ब्लैक वाला दिखाया था वो वाला ड्रेस। तो यहाँ मैं आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी लुक दिखा दूँ। इसके ऊपर इन्होंने ये नेकलाइन का दिया हुआ था पैच, ठीक है, और इसमें साथ ही ये जिसमें डिफरेंट स्टोन्स आ रहे हैं ये भी इसके साथ आपको ड्रेस के साथ मिलेगा। शिफोन का ओवरऑल बना हुआ बड़ा खूबसूरत डेलिकेट सा ड्रेस है, इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। लेकिन इसके नीचे हमने जो है वो क्या किया है, यहाँ हमने अटैच कराए हैं पर्ल्स, ठीक है। तो ये वाले जो पर्ल्स है कलर बड़ी मुश्किल से हमें मिला, क्योंकि इस पर सेम इसी तरह के पर्ल्स का वर्क था। तो हमने ये वाले पर्ल्स किए हैं इसके साथ अटैच, और हम आ जाते हैं यहाँ नेक्स्ट। यहाँ भी इसका ये पैच था, ठीक है, इसके ऊपर 3D फ्लावर्स का इन्होंने इस दफ़ा बड़ा खूबसूरत टच दिए। तो ये आ गई जी इसके दामन पे भी हमने अटैच कराए हैं। सेम आ जाते हैं इसके दुपट्टे की तरफ, तो दुपट्टे में भी हमने ये जितने भी आपको ये पर्ल्स नज़र आ रहे हैं ये मैंने खुद अटैच करवाए हैं, ठीक है। और बड़ी ही मेहनत के बाद ये वाला कलर जो है वो मिलने को आया हमें। तो कैप्री हमने रखी है सिंपल कॉटन सॉटन में, कैप्री है इसकी। आप देखिए कि सूट के ऊपर जब बहुत ज़्यादा हैवी वर्क हो तो आपने कैप्री हमेशा सिंपल रखनी है, क्योंकि वो फिर ऊपर से नीचे तक बहुत ही ऐसे लगता है कि बस चीज़ों की दुकान नहीं बनना, हमने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है। तो इसीलिए कैप्री हमने सिंपल रखी है, ठीक है, स्ट्रेट में, और लॉन्ग में ये शर्ट है। तो ये इसीलिए आ गई जी इस ड्रेस की कंप्लीट लुक। आपको कैसा लगा ये ड्रेस आपने कमेंट करके बताना है लाजमी। हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके जी, तो नेक्स्ट ड्रेस जो है ये तो आपको याद होगा, ये तो किसी को भी नहीं भूलेगा। तो ये हमने लिया था फ्लैट 75% डिस्काउंट पे मारिया बी से, और ये वाला ड्रेस लीलन का ड्रेस है। तो इसमें हमने क्या कराया है, इसके साथ आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे वेलवेट के पैच थे, लेकिन जो इसकी नेकलाइन वाली साइड है वो बिल्कुल प्लेन सब, मतलब कुछ उन्होंने बॉर्डर्स वगैरह नथिंग। फिर हमने क्या किया, हमने इसमें ना ये वाली लेस अटैच कराई, उस तरह की नेकलाइन जो है वो फ्लावरी सी अटैच करा दी, बड़ी खूबसूरत लग रही है इसके ऊपर ना। जैसे इसके ऊपर जो सीक्वेंस वाले हैं टच दिया हुआ है थोड़ा गोल्ड कोपर का, तो वो हमने उसी को देखते हुए यहाँ हमने नेकलाइन अटैच, मतलब लेस अटैच कराई है। इतने सारे ड्रेसेज आए, उनकी वीडियोज़ कवर करनी थी, तो मतलब
और टाइम भी कम है और काम ज़्यादा है, तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा सा हो रही हूँ, मेरे अल्फाज डगमगा रहे हैं। अच्छा जी आ जाएं, वापस आ जाएं। ये आ गए जी स्लीव्स के ऊपर हमने क्या किया है, ये तो एक तो पैच है ये वेलवेट का अटैच कराया है, और ये उसके बाद यहाँ हमने फैब्रिक के साथ पाइपिंग, और ये आ गई जी इसके ऊपर हमने ग्रीन में जो है वो अटैच कराए हैं डिफरेंट बीड्स। और आते हैं हम इसके दामन वाली साइड पे, तो दामन पे भी हमने सेम इसी तरह के बीड्स अटैच कराए हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी कैप्री की तरफ। तो कैप्री पे हमने ये एक तो नीचे पेंटेक्स हैं, फिर हाफ सर्कल्स हैं, और उसके अंदर छोटी सी जो वेव्स के अंदर स्पेस थी उसमें हमने लाइनिंग करवाई है, तो ये बड़ी बड़ी खूबसूरत लग रही है। इसके साथ आपको शॉल दी गई थी, तो आई होप आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। जिसे इसने बाय किया है वो इस तरह का स्टिच करा सकता है। अभी देखते हैं जी, एक और ड्रेस भी हमारे पास पड़ा हुआ है और उसको हमने कैसे कराना है स्टिच, हम देखते हैं नेक्स्ट जी। तो नेक्स्ट जो ड्रेस है ये है क्रिस्मा वसल कलेक्शन का, वसल कलेक्शन शिफून कलेक्शन है क्रिस्मा की, और क्रिस्मा की ये वाली कलेक्शन की कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर की हुई है। ये वाला जो ड्रेस है ये अभी जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा भाई ये हिट कोड है, तो वो सोल्ड आउट हो जाता है। 3 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है, और जो ड्रेस मैंने रिकमेंड किया है और वो मुझे उसके बाद नहीं मिला। निशात में ऐसा हुआ, खाड़ी में ऐसा हुआ, सना सफीनास की बात कह रही हूँ इसका करिश्मा में भी ऐसा हुआ। तो ये वाला ड्रेस वाकई बेहद हसीन है, खूबसूरत है। यहाँ जो इन्होंने ये दुपट्टा दिया है, ये दुपट्टा बड़ा प्यारा है। अच्छा जी आ जाते हैं, नेकलाइन हमने बैंड स्टाइल में की है, ठीक है, हाफ बैंड नीचे से जैसी इसकी एम्ब्रॉयडरी आई थी वो हमने रखी है जगह ओपन। यहाँ सिंपल स्टिच करा है, मतलब इसके साथ करिश्मा के साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ पैच एम्ब्रॉयडरी हर चीज़ हुई हुई होती है, आपको बस कट वर्क करवाना होता है, ठीक है, नीचे से ये कटवर्क करवाना होता है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं यहाँ, ये एम्ब्रॉयडरी के साथ मैंने लगाया है, ठीक है, मैंने नहीं लगाया था टेलर, ठीक है, मतलब मैं समझाया उसको। तो ये आ जाती है जी इसके दुपट्टे की, वैसे ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी शिफोन का दुपट्टा, इसके साथ हमने सिर्फ इसकी जो पल्लू वाली साइड है उसके ऊपर ये रिंग्स अटैच करवाएं, ठीक है, जैसे इसमें ये पिंक के शेड्स आ रहे थे। तो ये आ गया जी शर्ट और कैप्री ट्राउज़र सारी चीज़ें। और ये कैसा लगा आपको ड्रेस आपने कमेंट करके लास्ट बताना है। अगर किसी को चाहिए ये ड्रेस तो फिर मेरे से कर सकता है कॉन्टैक्ट। और ये बेहद खूबसूरत ड्रेस है खाड़ी का, और ये भी सेल से ही बाय किया था, और ये अब स्टिच हुआ है तो कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है। और इसके ऊपर ये देखें, ये सारे ही लेस इन्होंने साथ ही दी हुई थी जो हमने नेक लाइन पर अटैच करवाई है। इसकी स्लीव्स पर हमने ये टसल अटैच करवाए हैं ब्लैक कलर के पर्ल्स के साथ, मोतियों के साथ, तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह हमने इसके दामन पे भी ये वाले लेस के नीचे ये अटैच करवाए हैं टसल्स। और यहाँ पर जो इसका दुपट्टा है इंतहाई खूबसूरत, उसके साथ भी हमने ये नीचे कॉर्नर्स पर, चारों कॉर्नर्स पर ये वाले टसल अटैच करवाए हैं। और प्लेन में इसका ब्लैक कलर का ट्राउज़र है जो हमने सिंपल रखा है, क्योंकि इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है तो इसलिए इसके ट्राउज़र को हमने देखते हैं हम फुल लुक शर्ट की कि कैसी लग रही है। ये देखें इसकी फुल लुक, ये देखें भाई, ये हो गया हमारा खाड़ी का ड्रेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस कौन सा है। और ये खूबसूरत सा ड्रेस किसी खूबसूरत लेडी का होना चाहिए, और ये ड्रेस मेरा है। ये देखें जी, ये करिश्मा का ड्रेस है जो मैंने 40% का लिया था, और इसको मैंने स्टिच करवाया है। देखें कैसे, ये इसके साथ पैच था नेकलाइन का, ये देखें। और यहाँ स्लीव्स पर मैंने जिस तरह ये चुनरी प्रिंट आ रहा था जिग जैग में, उसी तरह मैंने इसके ऊपर गोटे की जो पट्टी होती है, गोटा पट्टी, वो अटैच करवाई है। और यहाँ स्लीव्स के ऊपर मैंने लेस अटैच करवाई है। और दामन पे आ जाते हैं, दामन पे भी मैंने इसी तरह ये बॉर्डर जो है यहाँ पर मैंने ये गोटा लेस अटैच करवाई है, और यहाँ पर ये वाली लेस अटैच करवाई है। और देखते हैं इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका बेहद खूबसूरत है, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें सीक्वेंस के साथ, और इसके भी चारों तरफ मैंने पाइपिंग के साथ, ये ऐसे पाइपिंग के साथ ये वाली लेस अटैच करवाई है। ट्राउज़र को मैंने इसका बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि ये चुनरी प्रिंट आ रहा था, इसके ऊपर मैंने कुछ भी ऐड नहीं करवाया। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ड्रेस, ये फुल लुक देखें इसकी।